मेरा लड़का को ये वाला ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है और तैयार करने में और भी आसानी। सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच के तौर पे भी आप ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है ये रेसिपी। ओट्स को पकाने के लिए मैं पानी डाल रही हूँ, पर आप दूध डाल सकते हैं पानी की जगह। ओट्स पकने के बाद अगर आपको लगता है ये गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा दूध या तो पानी मिला लीजिए। सिर्फ केला नहीं, केला के साथ आप अपना मनपसंद फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ब्लूबेरी क्रश इस रेसिपी का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है। We'll be right back.
इसे खाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये मैं डेजर्ट के तौर पे भी ले सकती हूँ। इट इज सुपर्ब हेवनली। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। दिन में किसी भी टाइम पे आप ये ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।